हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं आईपीपी अकाउंट से दूसरे खाते में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, घंटी बजाना भूलें। हम सबसे पहले दोस्तों प्ले स्टोर ओपन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे आईपीपी ऐप। उसके बाद दोस्तों अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ओपन पर क्लिक करेंगे। ये ऐप दोस्तों मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए दोस्तों ओपन का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, देख सकते हो आप। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एम पिन डालना होगा। अगर दोस्तों आपका एम पिन भूल चुके हैं तो यहाँ पर दोस्तों फॉरगेट एम पिन भी कर सकते हैं। तो हमारे दोस्तों यहाँ पे एम पिन डालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आईपीपी ऐप द्वारा हम दोस्तों ढेर सारी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम आपको सर्विस बता दें। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम सेंड मनी यानी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र। उसके बाद दोस्तों रिक्वेस्ट मनी, यहाँ पे दोस्तों हम अपने सारे ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पे बिल्स, पोस्ट ऑफिस सर्विस, यहाँ पे दोस्तों हम अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ जाएंगे हम, यहाँ पर दोस्तों मोबाइल रिचार्ज, उसके बाद दोस्तों मोबाइल पोस्ट पेड, यहाँ पर दोस्तों लैंडलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बिल। उसके बाद दोस्तों हम सबसे ऊपर जाएंगे किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए। दोस्तों हम सेंड मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम दूसरे खाते में डालने के लिए पैसे तीन ऑप्शन है। नंबर एक कॉन्टैक्ट यानी दोस्तों मोबाइल नंबर। उसके बाद दोस्तों भीम यूपीआई आईडी। उसके बाद दोस्तों अकाउंट आईएफएससी कोड द्वारा। दोस्तों हम तीनों में से कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे दोस्तों हम एग्जांपल के लिए भीम यूपीआई आईडी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना कस्टमर का यूपीआई आईडी डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर दोस्तों कितने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अमाउंट डालने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद दोस्तों कस्टमर की सारी डिटेल्स हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर हम मतलब कितने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डिटेल्स चेक करने के बाद दोस्तों कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दोस्तों हम यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालेंगे दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। देख सकते हो दोस्तों हमारा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डालेंगे हम। सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली यानी दोस्तों हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो के साथ। आप भी दोस्तों अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट आईपीपी ऐप द्वारा किसी दूसरे के खाते में पैसे भेज सकते हैं।